ये बाइबल को मैं लेकर जा रहा हूं, आपको लिटरली बताना चाहता हूं, उसकी सच्ची गवाही को मैंने जब सुना, उस बाइबल को वो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको रोक लिया, और रोकने के बाद में उसको कहा गया कि इसके अंदर में क्या है, ये डरा हुआ है, इसके मुंह से शब्द से उसके पिता ने जो कहा था कि तुझे बाइबल उस जगह पर जाकर छोड़ना है, उसके पिता मरने के बाद में वो कार्य करने के लिए उसे कहा था, लेकिन आपको बताना चाहता हूं ये डरा हुआ है कि अभी मुझे ये लोग अटैक कर लेंगे और मुझे मार डालेंगे। ये क्या करता है, उस बाइबल के जो बैग्स है उसको छोड़ देता है, और छोड़ के ना थोड़ा दो कदम पीछे हो जाता है, बोलता है किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये किसकी है, शायद ऐसा कुछ होता है, चेक होता है तो मैं दूर हो जाता हूँ। ये व्यक्ति बाइबल उस बैग को छोड़ देता है, बैग को साइड में रख देता है, और बैग को साइड में रखने के बाद में, क्योंकि वो उद्धार के लिए काम कर रहा है, समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, वो उद्धार के लिए काम कर रहा है, वो चाहता है कि किसी का उद्धार हो, वो चाहता था कि किसी का जीवन बचे, एक बाइबल किसी की लाइफ बदल सकती है। वो क्या करता था, वो क्या किया, उसने छोड़ दिया, लेकिन पुलिस लोग आए और पुलिस वाला उसको पूछता है कि बैग किसकी है, इसके मुंह से निकल जाता है मेरी बैग मेरी है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, इसके मुंह से निकल जाता है, डायरेक्ट बोलता है ये बैग मेरी है, और उसके बाद में विचार करता है अरे मैंने तो सोचा था बोलना नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से कैसे निकल गया। वो बोलता है, वहां पे एक सिक्योरिटी बाहर निकलता है, अरे सर आप तो उस पासवान के बेटे हो ना, आप उस पासवान के बेटे हो जो अभी अभी फिलहाल हाल ही में वो गुजर गए, आप रोज जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो। उससे पूछता है मैं आपके पापा का प्रचार सुनता था और आपके पापा ने ही मुझे बपतिस्मा दिया था और मैं आपके पापा का ही विश्वासी हूं, मैं आपके पापा के चर्च में जाता था। ये खुश हो गया कि वाह इस एयरपोर्ट पे मुझे कोई तो मिला है, कोई व्यक्ति तो मिला है जो मेरे साथ में, वो सिक्योरिटी गार्ड को कहता है, बोलता है कि इसकी बैग चेक मत कर, ये तो वीआईपी जोन से जाने वाला व्यक्ति है, इसको वीआईपी वाले गेट से लेकर जाओ। हालेलुया, उसके बैग को वो व्यक्ति उठाता है, बोलता है अब बैग मत उठाओ, मैं बैग उठाता हूं। वो अपने सहकर्मी से कहता है कि ये बैग्स को उठाओ और इन्हें बाहर लेकर जाओ वीआईपी गेट से। आपको बताना चाहते हैं, वो वीआईपी गेट से बैग को लेकर जाता है, और वो मन के मन में अंदर में बोलता है प्रभु मैं तो इधर पिटने वाला था और मरने वाला था, लेकिन तूने इधर चमत्कार कर दिया। उद्धार की बात जब हमारे जीवन में आती है ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। परमेश्वर उद्धार को देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर उद्धार को देने वाला परमेश्वर, वो चाहता है कि आप लोग उद्धार को पाए, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति के पास में उद्धार जाए। उसको पता है कि बाइबल के कारण उद्धार मिल सकता है, उसको पता था कि बाइबल एक ऐसी चीज है जो इनके जीवन में उद्धार को ला सकती है, वो अपनी जान की बाजी लगाकर बाइबल को लेकर गया। लेकिन वहां पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने क्या किया पता है, उसकी मदद की। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ में भी सेम ऐसा ही हुआ था। मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ काम करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों भी बोला, तो मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ काम करता हूँ और उन लोगों के लिए सपोर्ट करता हूँ, उन लोगों को हर बातों में सपोर्ट करता हूँ। एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं पाकिस्तान के व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ बातों के लिए सोचता था और उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीजों को मैं वहां भेजना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज भारत से नहीं जा सकती है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसीजर है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु के अनुग्रह से मैंने उस चीज को वहां पे भेजना चाहता था, लेकिन वो चीज वहां पर उपलब्ध नहीं हो रही थी और ना ही मैं बेच पा रहा था। मेरा एक फ्रेंड है, उसका कोई दोस्त है जो कि पाकिस्तानी है,
उसने कहा कि इसके द्वारा आप इस चीज को आप आसानी से वो चीज को पाकिस्तान के अंदर भेज सकते हो। मैंने तुरंत कहा कि मुझे कुछ भी होने दो, चाहे 1,00,000 रुपए लगे, 50,000 रुपए लगे, 40,000 रुपए लगे, 20,000 रुपए लगे, लेकिन ये वहां के पासवानों के लिए चीज पहुंचनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने खुदा से कहा, प्रभु मैं करना चाहता हूं, मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूं, एक रात के अंदर में ही जो चीज मैंने सोचा था वो चीज वहां पे पहुंच गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाइव में होने के कारण नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मेरी टीम और मैंने मिलकर इस चीज को किया और मुझे बहुत आनंद मिला। अगर हम आपकी एक बड़ी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मैंने कहा कि मुझे परमिशन नहीं है कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, मुझे परमिशन नहीं मिलती है कि मैं वहां आऊं। आपको बताना चाहता हूं, पता है उन लोगों ने 5,000 से भी ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिए और वो लोग एक ऑडिटोरियम में मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहां पे हजारों लोग उस ऑडिटोरियम में बैठेंगे, लेकिन मैं भारत में बैठूंगा और भारत से मैं स्क्रीन के ऊपर भी उनको दिखाई दूंगा और मैं वहां पे प्रचार करूंगा। हालेलुया, कितना अद्भुत है। उद्धार के लिए कुछ भी हो सकता है भैया, अगर इच्छा है ना अंदर में, जोश है ना अंदर में कि वहां उद्धार आना चाहिए, तो परमेश्वर किसी के कोई भी रास्तों को खोल सकता है। आपको बताना चाहता हूं, पता है वो सिस्टम ऑपरेटिंग का, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑपरेटिंग का उन्होंने 70,000 से भी ज्यादा पैसे वो लोग ले रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन और अदर्स चीजों का। सोचो कैसे हो सकता है ये। वो लोग ऑलरेडी इतने तकलीफ में चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑलरेडी पाकिस्तान के लोग ना हार चुके हैं। एक चीज वहां पे आटा जो आपको 30 रुपए और 40 रुपए किलो